अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ किचन रेसिपीज़। आज के लेक्चर में हम स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड हमने जो लेक्चर की सीरीज स्टार्ट की हुई है उसका लेक्चर है आज हमारा। इसमें हम देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है और बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एक्चुअल डिफरेंस क्या है। ठीक है, आज हम ये दोनों चीज़ें देखेंगे। ठीक है, इससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन पे प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस स्टैट से रिलेटेड, मैथमेटिक्स से रिलेटेड और एप्लीकेशंस से रिलेटेड आपको टाइमली मिलती रहें। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन होती क्या है एक्चुअली, क्या ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर ये कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, पहली बात तो ये बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता क्या है, ऐसा वेरिएबल जो के, तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है, ऐसा वेरिएबल जो कि डिस्क्रीट वैल्यूज़ एज्यूम करें जिसमें कॉन्टीन्यूटी ना हो, जिसमें सिर्फ नंबर्स हों, 1, 2, 3 हो सकता है, 4, 5, 6 हो सकता है, जिसमें ये ना हो, कोई इंटरवल्स इंक्लूड ना हो। ठीक है, अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हैज़ अ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन इफ़ इट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज़ गिवन बाय, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है वो हमारे पास अगर उसका गिवन हो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी रेज टू द पावर एक्स क्यू रेज टू द पावर 1 माइनस एक्स। अब हम देखते हैं पी और क्यू यहाँ पे क्या रोल प्ले कर रहे हैं। पी बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, मींस किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, और Q जो है वो किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। अब हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर किसके इक्वल आता है, टोटल प्रोबेबिलिटी के। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर दोनों मिलके 1 के इक्वल आता है। ठीक है, अगर तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हो उस केस में। ठीक है, अगर ये हमारे पास इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स आ जाए पी रेज टू द पावर एक्स क्यू रेज टू द पावर 1 माइनस एक्स, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, क्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है, और एक्स की जो वेरिएशन है वो 0 और 1 है। एक्स की जो है वो एक दफ़ा 0 लिखेंगे, दूसरी दफ़ा 1 लिखेंगे। फर्दर देखते हैं इसके मीन के बारे में और इसके वेरिएंस के बारे में। मीन के लिए देखें, हमने एक्स को क्या वेरिएशन दी, एक दफ़ा 0 दे दी, एक दफ़ा 1 दे दी। ठीक है, अब 0 जो है वो किसी इवेंट के ना होने की के केस में कि एक्स हमने 0 लिख लिया, और किसी इवेंट के होने की केस में हम उसको कहते हैं 1। ठीक है, आप देखें एफ ऑफ एक्स जब कोई इवेंट नहीं होता, मीन्स एक्स 0 हो तो डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर आएगा, आएगा ना, क्यों हमने लिख लिया। अगर 1 आता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आएगा, हमने पी लिख लिया। ठीक है, इसी तरह अब इसका मीन फाइंड आउट करने का हमें फार्मूला पता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स किसके इक्वल होती है, समीशन एक्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल। तो हमने इसको एक्स को एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करवाया, ये तो हमारे पास 0 है तो ये भी 0 हो गया, ये 1 इंटू पी है तो ये पी आ गया। इसी तरह से हमने वेरियंस भी फाइंड करना है, तो इसके लिए हमने इसका स्क्वेयर लिया और एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो हमारे पास ये वाला आ गया। सेकेंड देखें, तो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगी, ये होगी समीशन एक्स एफ ऑफ एक्स की इक्वल आएगी, मीन्स इन दोनों को ऐड कर दें। ठीक है, दोनों टर्म्स को ऐड कर दें, ये है ही पी, तो ये पी के इक्वल आ गया, तो इसका मीन क्या आया, पी। इसी तरह से समीशन एक्स स्क्वेयर एफ ऑफ एक्स हमारे पास इसके इक्वल आ गया, पी के ही इक्वल आ गया। अब वेरिएंस का फार्मूला पढ़ा हुआ है सबने, सबको आता है। वेरिएंस क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स और फिर इसका होल स्क्वेयर। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वेयर किसके इक्वल है, ये बेसिकली हमारे पास इसके इक्वल होती है, इसका फार्मूला ये है समीशन एक्स स्क्वेयर इंटू एफ ऑफ एक्स, ये हमारे पास इसके इक्वल होती है, तो ये आ गया पी माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स और फिर उसका होल स्क्वेयर, तो ये हो गया पी का होल स्क्वेयर। ये पी माइनस पी स्क्वेयर, पी दोनों में कॉमन है, तो ये क्या हो गया,
अब देखिए यहाँ पे एक पॉजिटिव का साइन लिखा हुआ है। पॉजिटिव क्यों होगा? पी जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 0 और 1 के इन बिटवीन होती है, ठीक है। अगर तो ये इन बिटवीन होती है तो उसका स्क्वायर जो है 0 और 1 के इन बिटवीन होती है, 0.1, 0.2, 0.5 कुछ भी लें, अगर हम उसका स्क्वायर करें तो वो 0.4 का अगर हम स्क्वायर करें या फिर 0.2 का अगर हम स्क्वायर करें तो वो 0.04 आ जाता है। इस तरह से ये पी स्क्वायर कम हो जाता है और ये पी ग्रेटर देन हो जाता है, माइनस करेंगे तो हमेशा ये पॉजिटिव ही रहती है। तो ये पी हमने कॉमन ले लिया, 1 माइनस पी हमारे पास हो गया पी क्यू हो गया। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो है, क्योंकि हमें पता है कि ये पी और क्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर दोनों का ऐड करें तो 1 आना चाहिए। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स किसके इक्वल आ गई? पी के इक्वल। और वेरियंस ऑफ एक्स किसके इक्वल आ गया? पी क्यू के इक्वल। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर कोई आपसे पूछ ले बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरियंस का आपस में क्या रिलेशन होता है, क्या मीन इक्वल होता है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन के या फिर मीन ग्रेटर होता है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं क्या? या इन दोनों इक्वेशंस को देख के आप इसका आंसर नहीं दे सकते? सोचें ज़रा। तो यहाँ से ये वाला रिजल्ट अराइज हुआ कि वेरिएंस ऑफ एक्स हमारे पास पी क्यू के इक्वल आता है, पी हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स है, तो पी की जगह पे अगर हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स उसका मीन लिख दें और क्यू को इस तरफ ले आएँ, वेरिएंस ऑफ एक्स जो है इज़ इक्वल टू क्यू टाइम्स मीन ऑफ एक्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्स ओवर क्यू। अब सेकंड ये कि पी जो है वो तो हमारे पास उसका मीन आ गया, पी क्यू उसका वेरिएंस है, पी और क्यू दोनों प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है, और प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड हमें ये पता है कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के इन बिटवीन होती है, तो डेफिनेटली ये वाला पी भी 0 और 1 के इन बिटवीन होगा और ये वाला पी और क्यू भी। अब देखिए ये भी 0 और 1 के इन बिटवीन है और क्यू भी 0 और 1 के इन बिटवीन है। जब भी दो नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे 0.1 × 0.1 ले लें तो वो 0.01 हो जाता है, ठीक है। फॉर सपोज हमने जस्ट एग्जांपल ली है, तो इसका मतलब है ये वाली जो है ये छोटी हो जाती है। तो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होता है वो हमेशा बड़ा होता है उसके वेरियंस से। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इस तरह के और भी इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए हमारे साथ इन टच रहें। अगर वीडियो पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें और वीडियो को लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, ताकि आप लोगों को टाइमली इसके नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप लोगों की कॉन्सेप्ट्स फर्दर इम्प्रूव हो सके, फर्दर पॉलिश हो सके। थैंक यू सो मच।